Hello students, hope you all are well. Today we will start with the page number 9 and let us remind the chapter name, which is History Tracing Changes Through a Thousand Years. So we had started the chapter 1 of history and here we have a new topic, Region and Empire. We will read this page, but you will come across many new words, many difficult words when we will read the paragraph. So let us understand that difficult words first. So students, here we have some difficult words. So let us understand the meaning one by one. Region means an area, common or alike. Region ka matlab hota hai area jo common hota hai. I'll give you some examples. जैसे माउंटेन रीजन, जैसे माउंटेन ही माउंटेन आपको दिखेंगे. देन डेजर्ट रीजन, दैट मीन्स उसमें डेजर्ट ही होगा. देन आइलैंड रीजन, दैट मीन्स यू विल सी आइलैंड ओनली. तो अब समझ में आ गया होगा आपको. नाउ नेक्स्ट यू हैव इज एम्पायर, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कंट्रोल्ड बाय वन पावरफुल कंट्री. एम्पायर किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं और वो कोई एक पावरफुल कंट्री के थ्रू कंट्रोल होते हैं. नेक्स्ट यू हैव एनकम्पास, दैट मीन्स होल्ड विद इन, जिसके अंदर होना. ठीक है. फ्लेड का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना. प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रांत. और उसका मीनिंग है अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ कंट्री विच हैज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब कंट्री में ऐसे भी एरिया है, ऐसे भी सेक्शन है जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद करते हैं. रेन का मतलब होता है टू रूल, दैट मीन्स शासन करना. होप द मीनिंग्स आर क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. सो व्हेनेवर वी रीड एनी पैराग्राफ, काइंडली रिमेंबर ऑलवेज गो थ्रू द हार्ड वर्ड्स फर्स्ट, सो दैट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, राइट? सो लेट अस गेट बैक टू दैट पेज नंबर 9 एंड रीड द पैराग्राफ. So let us start. Large states like those of the Khalas, chapter 2, Tughlaqs, chapter 3, or Mughals, chapter 4, encompassed many regions. A Sanskrit Prashti, see chapter 2 for an example of Prashti, praising the Delhi Sultan, Ghiyasuddin Balban, 1266 to 1287, explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Goda in the east to Ghazni, Gajna in Afghanistan in the west, and included all of South India, Dravida. People of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat, apparently fled before his armies. So now here basically we are going to talk about Delhi Sultan. मैं आपको हिंदी में explain करती हूँ कि ये paragraph में हमको समझाया गया है कि जो time था, particular time हम उसकी बात कर रहे हैं. इसमें यहाँ पे mention किया हुआ है paragraph में 1266 to 1287 की हम बात कर रहे हैं. वो टाइम पे राजा था सुल्तान ग्यासुद्दीन बालबन, जो दिल्ली का राजा था. ठीक है. अब वो जो राजा था उसके अंडर में बहुत बड़ा एम्पायर था, जो यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, जो येलो कलर में पूरा दिखाया गया है, वो उनके ऊपर राज कर रहे थे. पर और भी क्या चीज थी? लास्ट स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द कोलाज, पहले के टाइम में जो स्टेट्स थे ना उसके नाम बहुत अलग थे. कोलाज थे, फिर तुगलुक्स थे, जो बोलने में भी थोड़े से अलग हैं, मुगल्स हैं. वो जो सारे स्टेट्स थे उनके अंदर बहुत सारे रीजन्स थे. और एक संस्कृत प्रश्ति करके एक बुक था जिसके अंदर ये जो दिल्ली के जो राजा सुल्तान ग्यासुद्दीन बालबन थे उनके बारे में बहुत तारीफ लिखी गई है. और जो हो गए हैं 1266 टू 1287 के टाइम पे, और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था,
दैट ही वॉज, उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया था एक्चुअली वो बुक में, दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर. वो एक बहुत बड़े शासक थे, बहुत बड़े से एम्पायर के, दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गाजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया. जो इतना बड़ा था कि कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच रहा था, जैसे बंगाल, इंडिया में जो बंगाल था वहाँ से लेके इन द ईस्ट टू गाजनी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तक वो पहुँच रहा था, इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया तक भी वो जा रहा था. ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स. अब अलग अलग रीजन्स के जो लोग थे, कौन कौन से रीजन के, जैसे गोड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, वो धीरे धीरे वहाँ से भागने लगे. उनकी आर्मी जो वहाँ पे थी वो आई, उनसे पहले वो वहाँ से भागने लगे. अब ये तो हुई ये पैराग्राफ की बात. नीचे यहाँ पे एक मैप दिया गया है जो इंडिया का दिखता है, बट एक्चुअल में नीचे का जो पोर्शन है वो इंडिया जैसा है, पर ऊपर का जो है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारे मिक्स हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये सारे कंट्री अलग हुए, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पर पहले तो जैसे ये सारी चीज़ें, मतलब सारे जो रीजन थे और जो कंट्री थे वो एक ही थे. और नीचे जो स्काई कलर आपको दिख रहा है वो पूरा वाटरी एरिया आपको दिखाया गया है, जिसमें आपको एक ओशन है, इंडियन ओशन है, दूसरा यहाँ पे अरेबियन ओशन दिखाया गया है, फिर यहाँ पे दो आइलैंड भी है. तो एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड दिखाया गया है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिखाया गया है, फिर बीच में यहाँ से राइट साइड में आपको बे ऑफ बंगाल भी दिखाया गया है. देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं मैप की, हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमको डायरेक्शन दिमाग में एकदम क्लियर हो. जैसे यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको दिखाने की येलो एरो से, कि ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो नॉर्थ है, नीचे जो है बॉटम का है वो साउथ है, लेफ्ट साइड है वेस्ट है, और राइट साइड है ईस्ट है, और उसके बीच में जो जाता है वो है नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो जाता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट. मैं यहाँ दिखा नहीं पाई हूँ आपको. और वेस्ट और साउथ के बीच में जो जाता है वो साउथ वेस्ट है, और साउथ और ईस्ट के बीच में जो है वो साउथ ईस्ट है. ठीक है, तो ये तो हुई डायरेक्शंस की बात. नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 24 ना स्टेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो पहले के टाइम पे जब दिल्ली के राजा जो थे उनके टाइम पे 24 स्टेट्स थे, तो यहाँ उनके नाम नीचे दिखाए गए हैं नंबर के साथ, और वो नंबर आपको मैप में भी दिखेंगे. जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे आप देखोगे सिविस्तान है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप सिविस्तान देखोगे, फिर उच्च करके है वो सेकंड नंबर पे है ऊपर की साइड में, फिर मुल्तान करके थर्ड नंबर पे है, देन कालानोर है, लाहौर है फिफ्थ नंबर पे, समन है सिक्स नंबर पे, सेवन्थ पे सरस्वती है, एथ नंबर पे कुहराम है, नाइन्थ पे हंसी है, टेंथ पे दिल्ली है, इलेवेंथ पे बडयून है, ट्वेल्थ पे कनौज है, नाम भी थोड़े से अलग हैं, देन 13 नंबर पे कारा है, 14 पे अवध है, 15 पे बिहार है, 16 पे लखनौती है, 17 पे जाजनगर है, 18 पे मालवा, 19 पे गुजरात. तो ये सारे जो नाम मैं बोल रही हूँ वो पुराने टाइम पे जब राजा थे, मैं बार बार रिपीट करी ये चीज को कि पुराने टाइम पे जब राजा थे, दिल्ली के राजा सुल्तान ग्यासुद्दीन बालबन, उनके टाइम पे ये 24 स्टेट्स थे, और ये सारे स्टेट्स के ऊपर उन्होंने अपना शासन जमा के रखा हुआ था और वो राज कर रहे थे. तो 19 नंबर पे आप देखोगे गुजरात है, 20 पे देवगिरी है, 21 पे तिलिनगामा है, 22 पे तलंज है, 23 पे द्वार समुद्र है, और 24 पे मबार है. सो दीज आर द ओल्डन स्टेट्स. अब यहाँ पे कॉलम दिया गया है लाइट ब्राउन कलर का, उसमें आप पढ़ सकते हो कि लिखो हुआ है मैप 3, ठीक है, प्रोविंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान ड्यूरिंग महमूद ट्यूंगिल्लुक्स
रेन अकॉर्डिंग टू द इजिप्टियन सोर्स मौसुलिक ऑल अबसरफी मोमलिक ऑल अमसार ऑफ शहाबुद्दीन उमर्ट। पहले के टाइम पे क्या होता था कि सोर्सेस मिलते थे, तो ये जो सोर्स हमको मिला है इजिप्टियन सोर्स में से ये चीज हमको मिली है पास्ट की। और यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो मैप 3 है वो पूरा प्रांत है किसका है, दिल्ली के सुल्तान का, और किसके टाइम पे, मोहम्मद तुगलुक्स के टाइम के ये राजा थे जो दिल्ली के राजा थे, तो उनकी बात हमने ये पेज पे की है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10।